सुशांत सिंह राजपूत का नाम सच्चाई की एक ऐसी लौ बनेगी जो शायद इतिहास में दर्ज हो जाएगी, हिंदुस्तान के भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो जाएगा, युग तक उसको याद रखा जाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत अपने चैनल। सुशांत सिंह राजपूत भले आज भौतिक रूप से हम लोगों के बीच में नहीं, एक अच्छा चमकता हुआ होनहार बहुमुखी प्रतिभा का धनी इंसान बॉलीवुड की भेड़ की दरिंदों के भेंट चढ़ गया। लेकिन शायद भगवान ने उसको इसीलिए दुनिया में भेजा था। उसका जो नाम है वो सच्चाई की वो रोशनी बनने जा रहा है जो बॉलीवुड के काले चकाचौंध भरे काली दुनिया का जो काला सच है उसको परत दर परत खोलने में कामयाब हो गया। कभी सोचा नहीं होगा इन्होंने जब उस जितने लोगों ने उसका और जब उसके हत्या की होगी तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस पे हाथ डालना बॉलीवुड के लिए बर्बादी की कितने बड़े संकेत है। क्योंकि उन्होंने ये काम रोज कर रखा था, वहाँ रोज कई केस ऐसे हो गए जो हत्या करने के बाद में आत्महत्या का नाम दे दिया गया। दिशा सालियान का एक ही हफ्ता पहले हुआ था, उसको भी आत्महत्या करार दे दिया गया, जबकि वो हत्या है, ये तो तय है वो हत्या है। उसके चक्कर में सुशांत सिंह राजपूत जैसा सज्जन आदमी जो अपनी दोस्त को जो उनकी कर्मचारी भी उनकी मैनेजर भी रह चुके थे उनको इंसाफ दिलाना चाहते थे, अपने कलीग्स कह रहे हैं, अपने मैनेजर कह रहे हैं या फिर मानवता के नाते कह रहे हैं या एक दोस्त के नाते कह रहे हैं किसी भी तरह से कह रहे वो उन्हें इंसाफ दिलाना चाहते थे। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी जान गंवानी होगी। पर आज हमें पता चल रहा है कि सुशांत सिंह जैसा इंसान वहाँ कहाँ किन दरिंदों के बीचों पहुँच गया जहाँ पे कि एक भी इंसान नहीं है। इतना कुछ बॉलीवुड में हो गया है, इन्होंने मानवता के नाते भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ड्रग का धंधा कितना शौकीन, अब शौकीन नहीं लग रहा, कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि ये भी होता, अब तो लग रहा है कि ड्रग्स इनके खाने पीने में इनके रोज के शायद खाने से ज़्यादा जरूरी इनके लिए ड्रग्स। दीपिका पादुकोण का नाम आ जाए, सारा अली खान का नाम शौकीन था। तब हमें पता चला कि शायद इन घरों में ये होता ही होगा, इनके खाने पीने के का जो रूटीन है उसमें ये ड्रग्स रोज शामिल होता ही होगा, क्योंकि बिना इसके शायद नहीं जी सकते। इतने बड़े बड़े नाम आज सामने आ रहे, हर जगह से ड्रग्स का धंधा की पोल खुल रही है, आज यहाँ पकड़े गए कल को वहाँ पे पकड़े गए। ये सुशांत सिंह नाम की सुशांत जो नाम है ना, इस नाम की रोशनी ही है, ये उस नाम की रोशनी का टॉर्च है जो हर कोने कोने बॉलीवुड के हर अपराध को ढूंढ ढूंढ के ला के सामने आ रहा है। ड्रग्स का तो एंगल इसमें आ गया, ये जरिया बन गया, नहीं तो CBI तो सिर्फ उसकी मौत की जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे लाई गई, CBI को जो केस सौंपा गया, लेकिन चैट में ड्रग्स का एंगल आ गया। और इसी तरह परत जो है यहाँ के अपराध जो है खुलते चले जा रहे, तब पता चला कि ड्रग का यहाँ पे कितना बड़ा धंधा, किस हद तक ड्रग्स ने बॉलीवुड को जकड़ा हुआ है। पंजाब से भी किसी शख्स ने इन पे शायद केस किया है या कुछ, करण जौहर के खिलाफ, कि पंजाबी को ही बदनाम किया जाता है। शर्म नहीं आती ना अपनी बॉलीवुड की फिल्मों में ये सब दिखाते हैं, हकीकत जिंदगी में वही सब करते हैं। बाहर अगर थोड़ा सा भी कुछ उन्हें मिल जाएगा तो उसको इतने से का इतना बड़ा बना के बता दिया जाएगा पर्दे पर, लेकिन अपनी असली जिंदगी इनकी कितनी खोखली है, कितनी गंदी है,
उसको दिखाने की कोशिश नहीं करते। माफिया यहाँ पे इस हद तक हावी है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने हिम्मत की बचाने की अपने दोस्त को, जान गंवानी पड़ गई बेचारे को, लेकिन वो आत्मा सच्ची थी, वो इंसान सच्चा था, उसकी 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 इच्छा ईमानदार थी, वो सच में उसको इंसाफ दिलाना चाहते थे। इसीलिए सारी पूरी दुनिया, देश और थोड़ा दुनिया बाहर से भी लोग उसके उसके लिए न्याय मांग रहे हैं कि जो इंसान सच की लड़ाई लड़ रहा था उसको उसके साथ इस तरह से क्यों हुआ, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और अभी तो ये सच लगभग सामने आने वाला है ही। लगभग जो कहानी हम सुन रहे थे वही कहानी अब आ रही न्यूज नेशन में, जो कल एक जसमीत गोहा ने जो दिया है अपना बयान, उसने दिया है कि किस तरह से इनको मारा गया, दिशा सैलियान के साथ क्या हुआ, कितनी दरिंदगी के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया, और उस लड़की को बचाने के चक्कर में सुशांत सिंह राजपूत उसको न्याय दिलाना चाह रहा था, उसको अपनी जान गंवानी बैठी पड़ गई। इससे पता चलता है इस बॉलीवुड में कितनी गंदगी है, किस हद तक कालिक पुती है इस बॉलीवुड में। हर शख्स कालिक से पुता हुआ, हर छोटा कलाकार से ले बड़ा कलाकार तक हर इंसान कालिक से पुता हुआ, किसी न किसी कालिक से पुता हुआ। कोई एक भी पाक साख यहाँ पे नहीं है, और जो लोग सही हैं, जो लोग आवाज उठाते हैं, उनको दुनिया से जाना पड़ जाता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का नाम बॉलीवुड में इस तरह से स्थापित हो गया कि दोबारा बॉलीवुड में इस तरह के कुकृत्य करने से पहले उसके नाम को जरूर याद करेंगे, और इस कुकृत्य उसके नाम और उसका नाम पता नहीं कितनों को बचाएगा, कितनों को मौत के घाट उतरने से बचाएगा, कितनों को गलत काम करने से बचाएगा कि इस नाम ने क्या तहलका मचा दिया। लोगों ने खाना पीना छोड़ के लोगों को सिर्फ एक ही धुन थी कि हमें इंसाफ चाहिए। वो दिव्य आत्मा थी और वही दिव्य आत्मा इस बॉलीवुड की सफाई कराएगी। परत दर परत इस जो अपराध यहाँ पे होते हैं उस परत दर परत अपराध को खोल के अंदर तक सफाई सुशांत सिंह नाम की ये रोशनी करेगी। चाहे वो अमिताभ बच्चन जैसा महानालायक इंसान हो, चाहे दीपिका पादुकोण जैसी घटिया औरत जो कभी जेएनयू में जाके खड़ी हो जाती है तो कभी एक जोकर नाम का एक जोकर जैसा पति उसका है, और जो कभी आईएएस के साथ उसका कुछ कनेक्शन बताते हैं, और कभी वो ड्रग्स के मामले में जो है अब ड्रग्स मामले में उसका नाम है, और सुशांत नाम की ये रोशनी ना अभी और भी इन गंदगियों को ढूंढेगा और ढूंढ के इस बॉलीवुड की सफाई करेगा हर परत की बहुत अच्छे से, ताकि इन्हें पता चले कि मनोरंजन का असली मतलब क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, मानवीय जिंदगी का मतलब क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है। ये हिंदुस्तान है, ये कोई बाहर नहीं है, और बाहर भी इतना गंदा शायद नहीं होता होगा जो इस बॉलीवुड ने जितने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं आज। वो दिव्य आत्मा, वो सच्चाई के नाम की और रोशनी सुशांत सिंह इस बॉलीवुड की रोह तक कपा देगी अच्छे से, गलत काम करने से पहले सोचेंगे जरूर। उस आत्मा को तो कहीं ना कहीं एक पवित्र जगह पे उसको भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया ही होगा, क्योंकि जो नाम इतनी काली भरी
बॉलीवुड की दुनिया में तहलका मचा रहा है, इसकी सफाई करने में लगा हुआ है, तो उसको भगवान उसका साथ जरूर देंगे और कहीं ना कहीं भगवान उसको अपने चरणों में ही जगह देंगे, इतना पूरा विश्वास है।